वेलकम विजन एंड प्लानिंग। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। ये वीडियो एसबीआई क्लर्क मेन का एग्जाम जो होने वाला है दो दिनों में, उसके लिए स्पेशल है। मैं कुछ जो चैलेंजेस हैं इस एग्जाम में, जो विशेषताएं हैं, कुछ स्पेशल जो इस एग्जाम में होना है, उस पर मैं बात करने जा रहा हूं। कुछ नहीं, आपको थोड़ा अलर्ट कर रहा हूं, थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूं, मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहता हूं, ताकि आप अपना 100% परफॉर्मेंस दे सकें इस एग्जाम में। तो चलिए आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन एकेडमी पर भी हूं, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहां पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक, एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप। लगभग 8000 की वैकेंसी है, एक अच्छी संभावना आपके लिए मौजूद है। इतनी बड़ी संख्या में ये वैकेंसी और एसबीआई में है। क्लर्क का जो एग्जाम होता है वो लेवल है जहां से आप कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए इस जॉब में दिलचस्पी होनी स्वाभाविक है और अपनी ओर से पूरा जोर भी लगाना है। पढ़ाई का मूल पाठ आप कर चुके हैं, प्री क्वालिफाई करते ही आपने एक लेवल पा लिया था। मेन में आपका कॉन्सेप्ट, आपका डेप्थ वो चेक होना है। डेप्थ एक दो दिनों में बनता नहीं, इसीलिए तो प्री एग्जाम के रिजल्ट के बाद टाइम ही कहां मिला मेन के लिए। यानी एग्जाम बोर्ड भी ये मानता है कि स्टूडेंट में जो डेप्थ है उसको चेक करना है, और डेप्थ दो दिनों में नहीं आता। यानी जो नॉलेज आपका है उसी का टेस्ट होना है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि लास्ट ईयर जो एसबीआई पीओ का मेन एग्जाम हुआ था उसमें स्टूडेंट्स अलर्ट नहीं थे। नहीं तो क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं थे, इतने मुश्किल नहीं थे कि इतना खराब परफॉर्मेंस सारे स्टूडेंट का होता। अगर वो मेंटली प्रिपेयर्ड होते तो वो थोड़ा और अच्छा स्कोर कर सकते थे। वही मैं अलर्ट करता हूं। पढ़ाई तो आप पढ़ चुके, दो दिनों में संतुलन बना करके रखना है। कुछ चीजों का रिवीजन करना है, वो मैं बताऊंगा क्या रिवीजन करना है। सबसे पहली बात यह है कि इस एग्जाम में एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग में भी, मैथ्स में भी, इवन जो जनरल अवेयरनेस इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के साथ है उसमें भी। टाइम भी आपको काफी दिया गया है, यानी क्वेश्चंस में कुछ ऐसा होगा कि आपको उसकी पूरी जानकारी है कि नहीं, पूरा नॉलेज है कि नहीं, यह टेस्ट होगा। जीके और जनरल अवेयरनेस के क्षेत्र में भी तो जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, वन लाइनर जीके वो तो आप पढ़ चुके। जो समय बचता है 2 डेज का, इन 2 डेज में आप थोड़ा डिटेल पढ़ें। मैं बार बार मैगजीन की बात करता हूं, मैं कैप्सूल और इनकी बात नहीं करता, क्योंकि ये मेन एग्जाम है, प्री नहीं है। प्री में कैप्सूल चल जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि कैप्सूल कहीं से आपने पढ़ा है तो भुला दीजिए, जो आपने पा लिया वो पा लिया। मैं पॉजिटिव कह रहा हूं कि क्या और करना चाहिए। तो परेशान नहीं होना, जितना आप कर सके आप मैगजीन उठाइए इस मंथ से लेकर के लास्ट 3 मंथ, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं, दो दिनों में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इस मंथ का मैगजीन उठाइए, पिछले मंथ का और उसके पिछले 3 मंथ्स का, और जो थोड़ा डिटेल में, करीब 50 वर्ड्स 60 वर्ड्स में जो डिटेल में करंट अफेयर्स विथ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनको पढ़िए। ये बड़ा मदद करेगा, क्योंकि न सिर्फ डेटा रिकॉल होगा, डेटा किन संदर्भ में है वो रिकॉल हो जाएगा। वो 50-60 वर्ड्स वाले रीडिंग लगाना है, पढ़ा हुआ तो आपका है ही, एक बार रीडिंग लगाइए तो रिफ्रेश हो जाइएगा। पीओ के लिए भी एक दो स्टूडेंट ने कमेंट किया था, तो मैंने कहा था कि नोट्स आपने बनाया जो पढ़ा हो तो आपका है ही, लेकिन आप यही पार्ट जो मैं कह रहा हूं पीओ के लिए भी उसको थोड़ा पढ़िए, क्योंकि थोड़ा डेप्थ पे क्वेश्चन आएगा, कुछ ऐसा पूछा जाएगा जिसमें टेस्ट होगा कि आपको पूरी घटना की पूरी जानकारी थी कि नहीं उस इवेंट की। तो ये करंट अफेयर्स वाला है, रीजनिंग में भी डेप्थ होगा,
पजल भी अच्छे स्तर के होंगे, इंग्लिश भी वैसा ही होना है। तो जनरल रूप में मुझे ये कहना है, मैथ के लिए अलग से कहूंगा, जनरल रूप में मुझे ये कहना है कि जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है वो उसमें थोड़ा बेहतर परफॉर्म करें, स्कोर करें, ये उनको मदद करेगा ओवरऑल सिलेक्शन में। जिनकी वीक है वो अब इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान न दें, अब उन पर ध्यान दें जहां से उनको कुछ मिलेगा। जिनकी इंग्लिश वीक है इन दो दिनों में कुछ नहीं मिलेगा, जहां से मिलेगा वहां से लीजिए। पहले जो पढ़ना था पढ़ गए, उतना ही काफी है, उसी से आप पास करेंगे। स्कोर जहां होता है वहां कीजिए। मैं स्पेशली क्वांट के लिए बोलना चाहता हूं, क्वांट में 50 क्वेश्चंस आने हैं। लास्ट ईयर का जो पैटर्न है उसमें चेंजेस होंगे, उस पैटर्न को मैं याद करके फिर बात करता हूं किस तरह के चेंजेस। डेटा इनइक्वालिटी से 5 क्वेश्चंस आए थे, डेटा सफिशियंसी से 5 क्वेश्चंस आए थे, नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चंस आए थे एसबीआई क्लर्क के मेन एग्जाम, तो ये 15 हुआ, और डीआई से 5 क्वेश्चन का 2 सेट आया था तो 25 हुआ, और 25 क्वेश्चंस मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स के थे। ये पिछला पैटर्न है, अब इसमें किस तरह का बदलाव होगा वो सुनिए। फर्स्ट कि एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न ये नहीं रहेगा। एक तो 100% श्योर है कि मिसलेनियस इनइक्वालिटी के रूप में यही मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स 5 to 6 क्वेश्चन तो पक्का है आएंगे ही आएंगे, कोई नहीं जानता 10 भी आ सकते हैं। कैसलेट जरूर आएगा, जो आज तक नहीं आता था जरूर आएगा, प्री में दे चुका है, मेन में नहीं देगा ये हो नहीं सकता। इस पैटर्न में बदलाव होगा। कैसलेट चैप्टर वाले भी आ सकते हैं, एक यूजुअल कैसलेट होता है जिसमें परसेंटेज और डायग्राम बनाते हैं, दूसरा नहीं, चैप्टर वाला कैसलेट हो सकता है। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम चाहे इनइक्वालिटी के रूप में पूछे या डायरेक्ट पूछे, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करने जा रहा है, ये आप समझ लीजिए। करीब करीब 20 क्वेश्चंस चैप्टर के होंगे और चैप्टर ही डिसाइड करेगा। ज्यादा स्कोर करने में दिक्कत होगी, क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें टाइम लगेगा, कैलकुलेशंस होंगे, क्वेश्चंस कैलकुलेटिव होंगे, कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चंस के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया है, और ये 45 मिनट्स यूं ही नहीं दिया है मैथमेटिक्स के सेक्शन में, आपको सोचना पड़ेगा। डेटा सफिशियंसी इन जनरल तो उम्मीद यही बनती है कि 2 स्टेटमेंट वाले होंगे, लेकिन कोई अचंभा नहीं कि 3 स्टेटमेंट वाला भी आ जाए। 3 स्टेटमेंट वाले में थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, पर मुझे लगता है कि मैंने जो पिछला 2 डेटा सफिशिएंसी का दिया है उसमें इस बात को एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू सॉल्व। मैंने सॉल्व नहीं किया, हाउ टू सॉल्व पर ज्यादा ध्यान दिया, सॉल्व किया लेकिन हाउ टू सॉल्व सिर्फ 5-5 क्वेश्चंस के थे या 3-3 क्वेश्चंस के थे। पिछला जो 2 वीडियो है उसको आप देख लीजिए, उससे हाउ टू सॉल्व 3 स्टेटमेंट वाला ही समझ में आ जाएगा। जो टाइम बचा है 2 डेज, इसमें मैं चाहता हूं कि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्वांट में कुछ बेहतर करें। मुझे सारा फैसला क्वांट में होता हुआ नजर आता है। क्वांट का 50 क्वेश्चंस बहुत को डिसाइड करेगा, यहां पर 60 डिवीजन हो जाएगा किनका सिलेक्शन होना है और किनका नहीं होना है। मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट क्वांट में अच्छा परफॉर्म करें, लीड ले लें, और दूसरे सेक्शन में कुछ दिक्कत हो तो भी उनका सिलेक्शन जरूर हो। 40 प्लस मैं चाहता हूं, मेरा एक्सपेक्टेशन है आपसे। क्वांट में अगर आप 40 प्लस ले आए, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो इन जनरल 30 बनाने में दिक्कत होगी। 30 क्योंकि ये मेन का क्वेश्चन है, इसमें कुछ होगा समथिंग। तो जो लोग
ठीक से सही तरीके से नहीं पढ़े हैं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे, किसी क्वेश्चन में अटक जाएंगे, किन्हीं को डेटा सफिशियंसी में ही समय लग जाएगा, कोई हो सकता है नंबर सीरीज के किसी जगह पर फंस जाए, मतलब ओवरऑल परफॉर्म करते करते 30 में बस बोल जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि इतने दिनों से आपका मैंने मॉक टेस्ट लिया है, आप 40 जाएं, और आप जाएंगे, ये मैं बस बात कर रहा हूं, एग्जाम हॉल में 30-40 नहीं सोचना है, एग्जाम हॉल में तो बस परफॉर्म करना है। ये क्वेश्चन मुझे आता है कि नहीं, मुझे अटेम्प्ट लेना चाहिए कि नहीं, लेना चाहिए तो चाहिए, नहीं लेना चाहिए छोड़िए, आप डिसाइड कीजिए, पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है। और आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 45 मिनट्स मैं समझता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 5-6 महीने से 5-6 महीने से पढ़ रहे हैं आप लोग और वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, वो अवश्य बनाएंगे 40, और 40 अगर हो गया तो सिलेक्शन तो होना है। पॉजिटिव रहिए, जिंदगी का अंतिम एग्जाम नहीं है, एग्जाम की श्रृंखला में ये एक एग्जाम है। एग्जाम मतलब सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, जिंदगी तो इम्तिहान का नाम है। बी पॉजिटिव, एक रास्ते बंद होते हैं दूसरा खुलता है, दूसरा बंद होता है तीसरा खुलता है, अगर आप में लगन है अपना लक्ष्य तय करके पूरी मेहनत के साथ उसमें लग जाने का जज्बा है तो आपको भला कोई कितने दिनों तक रोकेगा, सिलेक्शन तो होगा। ऑल द बेस्ट।